नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट के बारे में। तो आपके पास अगर कोई गाड़ी है तो आप उसकी सर्विस भी ज़रूर कराते होंगे। तो व्हील अलाइनमेंट एक सर्विस का ही पार्ट है, लेकिन व्हील अलाइनमेंट क्या है, इसमें क्या करते हैं, इस तरह के कुछ सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आते होंगे। तो उसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो मैं हूं लीला सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, व्हील अलाइनमेंट को हम एक सीधी और सरल भाषा में समझें तो गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी में चार व्हील्स लगाए जाते हैं, और इन चारों व्हील्स को आपस में सिमिलर, समानांतर, एक सीध में, यानी एक लाइन में रखना ही व्हील अलाइनमेंट कहलाता है। अब बात करते हैं व्हील अलाइनमेंट में यूज होने वाले कुछ एंगल्स की। तो गाड़ी में जो चार व्हील्स लगाए जाते हैं, दो आगे और दो पीछे, इन चारों व्हील्स को गाड़ी में कुछ एंगल्स पर फिट किया जाता है, जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और स्टेबिलिटी बनी रहे। अब बात करते हैं आगे के व्हील्स की अलाइनमेंट के बारे में और इसमें यूज होने वाले एंगल्स के बारे में। तो आगे की जो व्हील अलाइनमेंट होती है, आगे के व्हील्स की, उसमें मुख्यतः तीन एंगल्स का यूज होता है। सबसे पहला है टो एंगल, और दूसरा है कैम्बर एंगल, और तीसरा होता है कैस्टर एंगल। तो टो एंगल में भी दो एंगल होते हैं, टो इन और टो आउट। ऐसे ही कैम्बर में दो एंगल्स होते हैं, पॉजिटिव कैम्बर और नेगेटिव कैम्बर। और उसी तरह से कैस्टर एंगल में भी दो एंगल होते हैं, माइनस में कैस्टर और प्लस में कैस्टर, यानी पॉजिटिव कैस्टर और नेगेटिव कैस्टर। तो ज़्यादातर गाड़ियों में टो एंगल्स की ही एडजस्टमेंट होती है, कुछ गाड़ियों में टो की और कैम्बर की दोनों की एडजस्टमेंट होती है, तो कुछ गाड़ियों में टो की और कैम्बर की और कास्टर एंगल की, इन तीनों एंगल्स की एडजस्टमेंट होती है। ये एडजस्टमेंट गाड़ी के मैन्युफैक्चरर द्वारा दी गई डाटा के हिसाब से हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। और उसी तरह से पीछे वाले जो व्हील्स हैं, यानी रियर व्हील अलाइनमेंट, उसमें भी दो एंगल्स का यूज होता है, टो एंगल और कैम्बर एंगल। तो कुछ गाड़ियों में केवल टो की ही एडजस्टमेंट होती है पीछे, और कुछ गाड़ियों में टो की और कैम्बर की एडजस्टमेंट दोनों की होती है। कास्टर का जो एंगल होता है वो रियर व्हील्स में नहीं होता है। तो दोस्तों, ये एडजस्टमेंट जो होती है आगे की व्हील्स में और पीछे वाली व्हील्स में, ये गाड़ी के मैन्युफैक्चरर द्वारा रिकमेंडेड डाटा होता है, उसके हिसाब से हमको व्हील अलाइनमेंट में सेट करना होता है, एडजस्ट करना होता है। तो इसकी एडजस्टमेंट के बारे में डिटेल्स में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को देखते रहें, और व्हील अलाइनमेंट के बारे में आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।